यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद राजधानी में डेंगू के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस दौरान अमृत विचार के रिपोर्टर ने लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंचकर डेंगू व सीजनल बुखार को लेकर अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के नंदा से खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने क्या कुछ बताया, चलिए जानते हैं। आज हम मौजूद हैं लखनऊ के सिविल अस्पताल में मुख्य अधीक्षक डॉक्टर एस के नंदा जी के साथ। उनसे जानेंगे कि डेंगू का क्या कुछ मामला है, कितने मामले में बढ़ोतरी आई है या कम हुए हैं, तो उनसे जानेंगे। सर, डेंगू का क्या कुछ मामला है, अभी कितने लोग यहाँ भर्ती हैं? डेंगू के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। पेशेंट्स बढ़ रहे जरूर हैं अब, लेकिन थोड़ी सी रोकथाम उस पर लगी हुई है। सितंबर से ये मामले आने शुरू हुए थे और एक दो करके आ रहे थे, लेकिन अक्टूबर में पिछले एक हफ्ते या दस दिन से इनकी संख्या बढ़ने लगी। जो एक दो करके आ रहे थे, चार से छह तक आने लगे, फिर छह से दस बारह तक आने लगे, और अब जो है ओपीडी में मरीजों की संख्या 10-15% बढ़ी है। और इनके जांचें सबकी करी जा रही हैं और करीब करीब 30 के अराउंड 30 पॉजिटिव ओपीडी में निकल रहे हैं ऑन एन एवरेज। जहां तक वार्ड की बात है तो वार्ड में करीब हमारे पास दो तीन करके एडमिशन हो रहे हैं डेंगू पेशेंट्स के, और टोटल पेशेंट्स हमारे पास इस समय जो हैं वो मेल कोरोना वार्ड में मेल डेंगू वार्ड में जो हैं वो 11 पेशेंट्स हैं और फीमेल वाले में 6 पेशेंट्स हैं। तो इस तरीके से 17 और एक नीचे आइसोलेशन में 18 पेशेंट्स हैं। जी सर, डेंगू के अलावा टाइफाइड या कोविड या वायरल फीवर के क्या कुछ मरीज आ रहे हैं तीन चार दिनों के बीच में? वायरल फीवर के जो पेशेंट्स आ रहे हैं या और इन्फेक्शन, मिक्स्ड इन्फेक्शन टाइप के आ रहे हैं, तो वो ओपीडी तक ही आ रहे हैं। ओपीडी से दवाई डॉक्टर से लेके चले जा रहे हैं, कोई एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। जी, हाल फिलहाल की बात करें तो एक दिन में डेंगू के लगभग कितने केसेस यहाँ पर एडमिट हुए हैं या जिनका इलाज हुआ है? नहीं, बताया मैंने आपको कि 2-3 मरीज ऑन एन एवरेज जो है वो डेली भर्ती हो जाते हैं। टोटल जो अभी तक मतलब धीरे धीरे जो भर्ती हुए हैं वार्ड में हैं, रुके हुए हैं हफ्ते भर के जो पेशेंट्स करीब करीब रुक जाते हैं, जो तो वो मैंने बताया 11 और 5-16 और एक नीचे है 17 पेशेंट हैं करीब। जी सर, क्या कोविड के कोई कुछ मामले इधर आए? कोविड तो नहीं आ रहा, कोविड नहीं आ रहा। जांच तो सबकी की जा रही है। जी, जितने भी पेशेंट्स हमारे यहाँ भर्ती हो रहे हैं बिना कोविड की जांच के अंदर वार्ड में नहीं जाते, उनको इमरजेंसी में और जो होल्डिंग एरिया है उसमें रोक के रखा जाता है। जब उनकी रिपोर्ट आ जाती है तभी उनको फिर वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। इसके नंदा सर ने बताया कि डेंगू के हाल फिलहाल में लगभग 17 मरीज सिविल अस्पताल में भी हैं जिनका इलाज चल रहा है, और अभी इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। मैं प्रशांत त्रिपाठी, लखनऊ से अमृत विचार के लिए।